साथियों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो शायद आपने पहले कभी ऐसा सुना भी नहीं होगा, ऐसा क्या हो भी सकता है। जी हाँ साथियों, आप यूएई में, दुबई में बहुत सारी जनता रहती है। इंडिया से भी एक सिस्टम लोगों ने, एजेंटों ने बना रखा है कि आप दुबई आ जाओ, दुबई से हम आपको कनाडा भेज देंगे। जी हाँ, तो आप दुबई जाते हैं, फिर आपको, मैंने दूसरे चैनल पे भी इससे रिलेटेड वीडियो बना रखे हैं, आप चाहो तो वो चैनल देख सकते हैं, वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा आपको। लेकिन यहाँ पे होता क्या कि आप दुबई में मान लीजिए पहले से जॉब कर रहे हैं, या फिर आप परमानेंटली वीजा पे, कैसे भी एक्सपायर्ड दुबई में आप रहते हैं, आप किसी एजेंट के थ्रू या किसी ऑफिस के थ्रू, कंसल्टेंसी के थ्रू आप संपर्क में आ जाते हैं कि भाई हम आपको दुबई से कनाडा का वीजा लगवा देंगे। और आपको पता भाई, दुबई में तो एडवांस लेते हैं ना लोग, लेकिन दुबई में एक काम अच्छा है कि जो एडवांस लेते हैं उसका अग्रीमेंट होता है। और आप भी हमेशा ध्यान रखें कि अगर आप किसी को लेन देन कर रहे हैं पैसों का, विदेश से रिलेटेड या एक्स वाई जेड, कैसे भी उसका अग्रीमेंट जरूर कर ले। उसमें एक कंडीशन होती है, मैं बता दूं कंडीशन क्या होती है। उसमें ये होती है कि इतने टाइम तक हम आपका काम, ये आपको सर्विस नहीं दे पाएंगे, आपका वीजा नहीं लगवा पाएंगे, एक्स वाई जेड कोई भी काम आपका नहीं कर पाएंगे, 6 महीना, 3 महीना, साल भर, जितना भी आपका अग्रीमेंट होता है। तो विद इंटरेस्ट, या फिर इंटरेस्ट तो छोड़िए, आपका जो भी अमाउंट है हम आपको रिटर्न कर देंगे बिना काट पीट के। आप समझ रहे हो, ये नहीं कि ये फाइल चार लग गया, वो लग गया, वो नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अगर आपके साथ अग्रीमेंट हो चुका है कि भाई हम आपका कनाडा का वीजा नहीं लगवाते हैं, तो 1 साल में पैसा रिफंड कर देते हैं। तो उस दौरान अगर आपका 1 साल हो गया, आपका नहीं तो वीजा लगा, नहीं कुछ हुआ, नहीं पैसा रिटर्न किया, उस दौरान ऑफिस वाला मना करता है कि हम आपको पैसा नहीं लौटाएंगे, आनाकानी करना, तो उस दौरान आप क्या लीगल एक्शन उसके खिलाफ ले सकते हैं, इससे रिलेटेड हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें, ताकि गल्फ कंट्री से रिलेटेड से इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर। देखिए, दुबई में कानून बना हुआ है, मैं बता दूं, नकद जो लेन देन होता है ना, लेन सिविल ट्रांजेक्शन लॉ, जी हाँ, जो 1985 में जो कानून बना था उसकी मैं बता दूं, धारा 5 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2006, संघीय कानून संख्या 24 में ये प्रावधान किया गया है कि आप किसी के साथ नकद लेन देन का व्यवहार करते हैं, उसके साथ आपका अग्रीमेंट होता है, उसमें कंडीशन होती है कि भी इतने टाइम में मैं तेरा, अगर तेरा काम नहीं हुआ तो तेरा पैसा वापस लौटा दूंगा इतने टाइम में। उस दौरान अगर आपका जो जिसके साथ आपका अग्रीमेंट हुआ वो पैसा नहीं लौटाता है, जैसे अभी विदेश से रिलेटेड बात करें, कनाडा के नाम से आपने मान लीजिए 5,000 दराम दे दिए, 1 साल हो गया काम नहीं हुआ, और आप ऑफिस में जाते हैं, आप वो नाटक करता है कि पैसा नहीं देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आपको पता है एजेंट तो कुत्ती चीज होती है, वो तो बहाना बनाने में माहिर होते हैं, पैसा देने में इंटरेस्ट नहीं होते वो लोग, समझ के बात, उनको ये लगता है कि पैसे तो मेरे थे, इसके पास थे, इससे हमने वापस ले लिए, इसको वापस नहीं देने, उसको ये लगने लग जाता है फिर, जबकि वो पैसा आपकी गाड़ी कमाई का, बहुत मेहनत से कमा के आपने उसको दिया था, या फिर लोन ऑफ इंटरेस्ट पे उस बंदे को आपने पैसा दिया, लेकिन वो पैसा अपना समझ के वो आपको देने के लिए मना कर देता है। उस दौरान आपके पास क्या कानूनी हथियार होता है, क्या आप उसके साथ लीगल एक्शन ले सकते हैं कि दुबई में उसकी बैंड बजाएं, ताकि वो ऐसा गलत काम नहीं करें। मैं तो चाहूं कि वो जहां बैठा है ना उसका सिस्टम ही क्लोज कर दे, ताकि वो ब्लैकलिस्ट हो गए किसी भी कंट्री का है, क्योंकि आपको पता है वीए में वहां तो लोकल के लोग हैं नहीं, दूसरी कंट्रियों के लोग वहां ऑफिस खोल के बैठे हैं, तो उनको ऐसा सिस्टम बनाए कि वो तुम तावड़ा बंद करके ब्लैकलिस्ट करवा के उसकी कंट्री रवानगी दिलवा दे, ऐसा उसका इलाज करना चाहिए। आपने जो नगद लेन देन किया है उसमें बता दूं, 1985 में जो एक्ट बना था उसमें धारा 5 में साफ साफ ये ऑप्शन दिया गया है, अनुच्छेद 48 के 148 के अनुसार साफ साफ बताया गया है आपके बीच में जो अग्रीमेंट हुआ है उस अग्रीमेंट को आप नहीं तोड़ सकते, अगर आप तोड़ोगे तो आपको तोड़ने लेन देन करने वाले को नुकसान हो सकता है, तो उसमें आप वहां पे गलत हो जाओगे। आपका अग्रीमेंट कंप्लीट होने के बाद अगर आप उनके खिलाफ एक्शन लेते हो तो 100% उसके खिलाफ आप लीगल एक्शन ले सकते हैं कोर्ट के माध्यम। आपका जो जॉब एडवाइजर, जो जॉब कंसल्टेंसी है जहां पे आपने पैसे दिए, वो पैसा देने से मना करता है, वो डिफॉल्टर आता है, आपको बार बार परेशान करता है, तो मैं बता दूं दुबई अमीरात में एक स्थित है, आर्थिक विकास विभाग में आप संपर्क कर सकते हैं, वहां पर आप फर्म के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 4(6) में यह ऑप्शन बताया गया है आपके पक्ष में। निपटान केंद्र, दुबई न्यायालय में निपटान केंद्र होता है ना, जहाँ पे आपके मामले निपटाए जाते हैं, वहां पर भी आप अपने जो कंसल्टेंसी जो ऑफिस है उसके खिलाफ में आप वाद दायर कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। यह 16 विभाग 50,000 दुबई दराम से नीचे के मामले को, मैटर को क्लोज करता है, यानी वहां पे समझौते होते हैं, सल्टवाता है मैटर को एक तरह से। शर्त यह रहेगी कि उसके खिलाफ आप अपने ऑफिस के खिलाफ या फिर जिसको पैसे दिए उसके खिलाफ आप एक्शन, लीगल एक्शन लेने से पहले आपके उनके बीच में जो भी डील हुई थी वो साक्ष्य होने चाहिए, डॉक्यूमेंट होने चाहिए, आपके पास कोई रसीद, आपने पैसे कैसे दिए वो रसीद होनी चाहिए, आपके बीच में अग्रीमेंट क्या हुआ वो होना चाहिए,
या एक्स वाई जेड आपके पास मोबाइल में चैट हुई है, वॉइस रिकॉर्डिंग है, एक्स वाई जेड कोई भी है, एविडेंस आपके पास होना चाहिए कि ये देखिए जी ये मेरे पास एविडेंस है, उसके आधार पे उसके खिलाफ लीगल एक्शन आप ले सकते हैं। 100% आपका समाधान हो जाएगा, क्योंकि व्हीकल लेबर लो या फिर एक्स वाई जेड लो बहुत स्ट्रॉन्ग है और वहां पे गलती करके बंदा रुक नहीं सकता, उसको फिर दुबई छोड़ना पड़ेगा। तो उससे बढ़िया है कि वो मैटर को सलटाने में इंटरेस्टेड होता है। तो आपके साथ किसी के भी साथ इस तरह की कोई घटना होती है तो आप इस तरह से लीगल एक्शन के माध्यम से आप अपना पैसा निकाल सकते हैं और उसको भी सबक सिखा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।